हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बीते दिन ही सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी थी। अगर वो जिंदा होते तो अपना 35वां जन्मदिन मनाते। बहुत ज्यादा जिंदा दिल इंसान थे, हर बर्थडे पर कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो हमारे बीच अब नहीं है। इन सबके बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर फिलहाल जांच चल रही है और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीआई कुछ बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। अब ये खुलासा उनकी आत्महत्या से जुड़ा होगा, उनकी हत्या से जुड़ा होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा उसके लिए इंतजार कर लेते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन इन सबके बीच कुछ दिन पहले ये खबरें आई थी कि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है और जाहिर तौर पर जितना फुटेज इस पूरे मामले को मिला उतनी ही जल्दी इस मामले को एकदम से आप समझ लीजिए, अब आपको न्यूज सुशांत के बारे में सुनने को इक्का दुक्का ही मिलती होंगी। तो खबर इस बीच ये आ रही है कि सीबीआई अभी फिलहाल जांच कर रही है और अभी जल्द ही क्लोजर रिपोर्ट सौंप सकती है, यानी कि सौंपी नहीं है और उसमें कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, एम्स के जो डॉक्टर हैं, एम्स के जो फॉरेंसिक टीम के जो हेड हैं सुधीर गुप्ता, वो ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई उनको जहर नहीं दिया गया, कोई कुछ उनके खाने में ऐसा नहीं मिलाया गया जिस वजह से उनकी मौत हुई हो। जिस तरीके के आरोप शुरुआत में लग रहे थे, इसको एक सीधे सीधे तौर पर आत्महत्या करार दिया गया था एम्स की तरफ से और उसके बाद ही सीबीआई ने अपनी जांच को थोड़ा सा ढीला कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें हैं कि सीबीआई आने वाले वक्त में कुछ खुलासा कर सकती है, तो अब सुशांत के फैंस, उनके परिवार, उनके प्रशंसक, दोस्त, सबकी निगाहें अब सीबीआई के उस खुलासे पर हैं कि आखिर क्या खुलासा होगा, क्या वाकई में कुछ और निकल कर सामने आएगा या फिर सीबीआई जाते जाते भी यही कहेगी कि ये एक आत्महत्या का केस था और फिर इसकी फाइल बंद कर देगी। देखना होगा सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्या कुछ सौंपेगी। लेकिन इन सबके बीच सुशांत की बर्थ एनिवर्सरी पर उनको याद किया गया, रिया चक्रवर्ती खुद फूल खरीदती हुई नजर आई, अंकिता लोखंडे ने बहुत सारी अब एक के बाद एक वीडियो साझा की और कहा कि मैं आज तुम्हें पूरे दिन ऐसे ही सेलिब्रेट करूंगी। ये कुछ ऐसी वीडियोस थी जो शायद आपने और हमने नहीं देखी होंगी, अंकिता के पास ही थी, अनसीन वीडियोस थी जिनको अंकिता ने साझा किया था। फिर कृति सेनन ने उनको याद किया और एक फोटो साझा की। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सितारों ने सुशांत को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन सबने यही दुआ की कि काश सुशांत वापस आ सकते। इन सबके बीच अब देखना होगा सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्या कुछ कहती है।